दोस्तों इस वीडियो में एक नई जॉब रिक्रूटमेंट जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए लेके आ चुका हूँ, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है ये, जो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इसका क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन फॉर्म इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले सारे जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, नोटिफिकेशन का पीडीएफ। और कोई भी स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। दोस्तों आप अपनी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई, जहाँ से आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इक्विवेलेंट अवेलेबल इन वेरियस कैंपस डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूट या सेंटर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। और पे लेवल देख सकते हैं लेवल 10 रहने वाला है 7 CPC का और 57,000 से पे लेवल स्टार्ट रहने वाला है और 1,82,000 तक प्लस अलाउंस इसमें, ठीक है। बात करूं तो सबसे पहले जो वैकेंसीज़ है मेन कैंपस श्रीनगर में रहने वाली हर एक सब्जेक्ट की देख सकते हैं, अरेबिक्स बायोइनफॉर्मेटिक्स सेंट्रल सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज़, उसके बाद केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंग्लिश वैकेंसीज देख सकते हैं, कहीं पे 4 कहीं पे 1 कहीं पे 2 वैकेंसीज है, हिंदी का भी रहने वाला है। उसके बाद लॉ की, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स सभी की रहे। उसके बाद कुपवाड़ा कैंपस के लिए रहने वाली हैं, साउथ कैंपस अनंतनाग के लिए एजुकेशन इंग्लिश मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड उर्दू की वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। और बात करूँ ये सारी वैकेंसी 38 कॉलम तक आपको वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी 8 सितंबर 2022 से फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 7 अक्टूबर 2022 और लास्ट डेट सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी भी आपकी 7 अक्टूबर 2022 यहाँ पर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन से यहाँ पे डिस्कस करूँ अगर आप में साहब, तो फर्स्ट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है जिसमें आपके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है, जिससे में आपको 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूँ तो गुड अकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए और एट द PG लेवल इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स GIS रिमोट सेंसिंग जियोलॉजी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बाय इन्फॉर्मेटिक्स की आप देख सकते हैं, ये आपका PG लेवल पे इतना मार्क्स होना चाहिए और इन सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। असिस्टेंट प्रोफेसर इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिजियोलॉजी फिलोसफी में आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पोस्ट है। टीचर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए PG लेवल पे और MA एजुकेशन होनी चाहिए आपके इंडियन यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एनर्जी स्टडीज़ भी आप देख सकते हैं, बाकी आप सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैंडिडेट जिनका नेट और सेट हैविंग PhD डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन द कॉम्प्लेंस ऑफ UGC मिनिमम स्टैंडर्ड को जो फॉलो करते हैं रेगुलेशन 2009, उनको जो है शैल बी एक्सेप्टेड फ्राम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट एंड सेट। यहाँ पे कंडीशन आप नीचे देख सकते हैं PhD की कौन कौन अप्लाई कर सकते, क्या अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पर की चारों यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। नीचे मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे किस हिसाब से यहाँ पे ग्रेडिंग की जाती है, तो क्या ग्रेड जो आपके पॉइंट्स होते हैं किस हिसाब से उनको आउटस्टैंडिंग या फिर पोअर एवरेज के हिसाब से देखा जाता है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स की बात करें तो आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं कल से और वेबसाइट आपको दिख रही है kashmiryuniversity.net, इस पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल एंड फ़ोन नंबर भरने के बाद आप फ़ोन अपना फॉर्म भर सकते हैं और प्रीव्यू करके सबमिट करके उसका जो हार्ड कापी निकाल के आपको जो है हार्ड कॉपी जो है जो लास्ट डेट है फॉर्म की उससे पहले पहले इस एड्रेस पर भेज देना जहाँ आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यूनिवर्सिटी कैंपस हज़रत बल श्रीनगर, ये पिन कोड आपको रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट या खुद जाके भी आप दे सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो UGC रेगुलेशन 2018 के हिसाब से किया जाएगा और इसमें कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन है। तो ये है आपका जो अगर किसी ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब्स है तो यहाँ पे 80% एंड अबव इजिकल टू 15 मार्क्स दिए जाएंगे। वैसे आप मार्क्स का क्राइटेरिया देख सकते हैं, अगर PhD डिग्री है तो 30 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, नेट अगर आपका GRF के साथ है तो 7 मार्क्स, नेट खाली सिंपल है तो 5 मार्क्स, SLET सेट है तो 3 मार्क्स, बाकी आपको अवार्ड्स है तो कोई मार्क्स यहाँ पर, ये इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए 3 मार्क्स है, स्टेट लेवल अवार्ड्स के लिए 2 मार्क्स हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे बात करूँ तो किसी बच्चे की एमफिल प्लस पीएचडी मैक्सिमम है तो 30 मार्क्स मिलेंगे, जीआरएफ नेट सेट इन में से कोई भी है तो 7 मार्क्स मिलेंगे, और अवार्ड्स कैटेगरी मैक्सिमम है 3 मार्क्स मिलेंगे, एंड टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स इनके बन रहे हैं अकाडमिक स्कोर प्लस रिसर्च पब्लिकेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस को ऐड करने के लिए। उसके बाद बात करूँ अदर कंडीशंस जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं, क्या यहाँ पे कंडीशंस लिखी गई हैं जो कि एग्जेम्प्शन चाहते हैं नेट स्लेट से, उनको जिनके पास पीएचडी डिग्री है तो उनको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप रीड कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं मिनिमम 55% तो आपका होना चाहिए इस फॉर्म एलिजिबल करने के लिए आपकी रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए। अब ये सारी जानकारी दी है क्या क्या आपको जो है फॉर्म लगाते टाइम सावधानी बरतनी है। EWS सर्टिफिकेट वालों के लिए सावधानी दी गई कैसे आपको EWS के लिए अप्लाई करना है और कैसे EWS वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे, नीचे देख सकते हैं आपको दिखा रहा हूँ। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर देख सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।